है यहाँ पे, ये समदासी से थोड़ा आगे आकर के जो है, ये रात को जो है एक्चुअली हमें सूचना मिली थी इनके पत्नी है जो मृतक हुए हैं यहाँ पे, और प्रवीण है, तो ये रोहल के रहने वाले हैं, बेसिकली शिमला में रहते हैं। तो इनकी पत्नी ने 112 में फ़ोन किया था, तो वहाँ से फ़ोन आया था कि कहीं ये गाड़ी में किसी लड़के के साथ ये जा रहे हैं। तो इसके बाद तो इनके इनके जो फादर हैं और इनके मामा भी जो है आए थे, फिर हमारे थाने वालों ने भी जो है कर्मचारियों ने आकर के रात को यहाँ पे इनकी तलाश करी, यहाँ पे इस तरफ भी आए थे वो। लेकिन यहाँ पे रात को क्या हुआ कि ये जो जगह जहाँ से ये गाड़ी गिरी है, यहाँ से नीचे को गैप होने की वजह से दिखता नहीं है, ये नदी में गिरी है। और सुबह फिर पुणे जब फिर मैंने भी जो है इसका पता किया, लोकेशन वगैरह पता करके, इनकी पत्नी का मुझे फ़ोन आया था, उसके बाद हम इनकी तलाश दोबारा कर रहे थे सुबह। तो प्रातःकाल यहाँ पे जो ये गाड़ी आप यहाँ देख रहे हैं इस जगह पे, तो ये गाड़ी यहाँ पे गिरी हुई पाई गई नदी में ऊपर में, और इसमें दो युवक प्रवीण के साथ जो है, दूसरा मुकेश नाम का युवक है, जो यहाँ पे दोनों इस गाड़ी में गिरे हुए नदी में और मृत पाए गए दोनों। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि रात को ये जो है कहीं इधर को आए इस तरफ को चिड़गांव से, और चिड़गांव से आकर के मेरे यहाँ से तेज़ रफ्तारी में होने के कारण ये गाड़ी यहाँ से गिरी है। और इस हादसे में जो है, ये एक दर्दनाक हादसा है, इसमें जो है इसमें दोनों युवकों की मृत्यु हो गई है दुर्भाग्यवश।